नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी जबरदस्त भूस्खलन हुआ जिसमें 81 लोगों की अब तक मौत हो गई है। मणिपुर में कुदरत का कहर जारी है। नौनी जिले में शनिवार को एक और भूस्खलन हुआ। इसी इलाके के पास यानी नौनी जिले के तुपुल रेलवे स्टेशन के पास 29 जून को बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ था जिसमें अब तक 81 लोगों की मौत हो गई है। जान गंवाने वालों में टेरिटोरियल आर्मी के 26 जवान भी शामिल हैं। इस इलाके में राहत एवं बचाव कार्य में शनिवार को भी कई टीमें जुटी हुई हैं। इससे पहले शुक्रवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने नौनी जिले में भूस्खलन को राज्य के इतिहास की सबसे ज्यादा भयानक घटना बताया। बचाव कार्यों में दोस्तों अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार भूस्खलन की घटना बार बार देखने को मिल रही है क्योंकि इस इलाके में जबरदस्त बारिश हो रही है। पिछले दोस्तों 10 दिन से मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार से अत्यंत मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर भी हैं और सबसे बुरी बात यह है कि दोस्तों यहां की जो नदी है एजे नदी, उसका बहाव भी रुक गया है क्योंकि जैसे ही भूस्खलन हुआ है पूरा पहाड़ का पहाड़ टूटकर नदी के आगे गिर गया जिसकी वजह से नदी के आगे बांध बन गया है। अब दोस्तों भारी बारिश के चलते वो नदी भरती जा रही है और अब चेतावनी बिंदु को पार कर जाएगी। अगर वह बांध टूटा तो दोस्तों सैकड़ों गांवों को ले डूबेगा। बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इसलिए आसपास के गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। नदी के आसपास के सभी इलाकों को दोस्तों खाली कराने के ऑर्डर भी जारी हैं। बेहद बुरी खबर मणिपुर से आ रही है जहां पर अब तक 81 लोगों की मौत हो गई है जिसमें 26 जवान भी शामिल हैं और अभी भी दोस्तों यहां पर कुछ व्यक्ति दबे हुए हैं जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वायुसेना, NDRF, SDRF, ITBP के जवान लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर भी दोस्तों लगे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से, बहुत ही बुरी खबर। इन दिनों भारी बारिश, आंधी, तूफान जगह जगह हो रहा है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, इसलिए देखकर चलें। पहाड़ी इलाकों पर दोस्तों आप भूलकर भी ना जाएं क्योंकि वहां पर भारी बारिश के चलते दोस्तों पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं और आकाशीय बिजली भी लगातार गिर रही है। इसलिए विनती है कि भारी बारिश के चलते घर के अंदर रहें, बाहर ना जाएं। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, वहां का वर्तमान मौसम कैसा है कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।